अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूमे चैनल में आपका अहलन व सहलन मरहबा। आज का अहम वजीफ़ा तमाम आफतों से तहफ्फुज़ यानी हिफाजत। अबू याला व इब्ने मरदविया ने नीज शाब में बैहक़ी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाया है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने उसके घर बार या माल या औलाद के मुतालिक कोई नियामत अता फरमाए और फिर इसने वो नियामत देखकर माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, उससे अल्लाह ताला उसकी मौत तक तमाम आफतों को दूर फरमा देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील में ये आयत तिलावत फरमाई, वलौला इज़ दखलत जन्नतका कुल्त माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और तो जिस वक्त अपने बाग में पहुंचा तो तूने यूँ ना कहा कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है, और बुद्धू खुदा की मदद के किसी में कोई क़ुव्वत नहीं। हज़रत साद बिन इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, फरमाया क्या मैं तुम्हें अल्लाह का इस नाज़म बता दूँ, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। जिस मुसलमान ने अपनी बीमारी में 40 मरतबा ये दुआ पढ़ी और फिर वो अपनी इस बीमारी में फौत हो गया तो उसको शहीद का सवाब अता किया जाएगा, और अगर वो सेहत याब हुआ तो गुना बख्शा हुआ होकर सेहत याब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।